प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग द्वारा मौलानाओं पर की गई टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष आसिफ जकी ने कहा कि विश्वास सारंग जी, आपको नरेला की जनता ने चुनकर विधायक बनाया है, परंतु आपके द्वारा मुस्लिम समाज के मौलानाओं पर जिन शब्दों का उपयोग किया गया वह बहुत गलत है। यदि आप इन शब्दों का उपयोग विकास के लिए करते तो मुझे बहुत खुशी होती। मंत्री सारंग पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि एक धर्म के लोगों को निशाना बनाकर आपने अपनी छवि को चमकाने की कोशिश की है। आपने जिस भाषा का उपयोग किया वह भाषा आपके तथा आपके मंत्री पद के लिए भी उचित नहीं है। आप इस प्रकार की बातों को भूलकर जनता के बीच जाकर विकास की बात कीजिए। इसी के साथ आसिफ जकी ने कहा कि आप पैसे के दम पर मंत्री बने हैं। आपकी सरकार लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि रुपयों के दम पर चुनी हुई सरकार है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। विश्वास सारंग जी, आपको जनता ने चुन के विधायक बनाकर जो है धनेरा विधानसभा से मध्य प्रदेश क्षेत्र के मंत्री के रूप में भेजा है, और आपके द्वारा जो है मुस्लिम समाज के मौलानाओं के बारे में जो शब्दों का उपयोग किया, उन मौलानाओं की जगह जो है यदि इन शब्दों का उपयोग विकास के लिए आप अपने मुख्यमंत्री और अपने ऊपर के अधिकारियों से करते तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन एक प्रकार एक धर्म के लोगों को निशाना बनाकर अपनी छवि को उज्जवल करने की आप कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो है उचित नहीं है। और जिस भाषा का आपने जो है घटिया भाषा का उपयोग किया, वो भाषा आपके और आपके मंत्री पद को जो है सुशोभित नहीं करती। विश्वास सारंगी, इस प्रकार के शब्दों को जो है, इस प्रकार के बातों को जो है करना भूलिए और जनता के बीच में जाइए और जनता से चुन के आइए। आप अभी चुने हुए नहीं हैं। आपको जिस प्रकार से जो है पैसे के दम पर सरकार के अंदर आप मंत्री बने हुए हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी सरकार जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई नहीं है। रुपयों के दम पे जो है आप और आपके मुख्यमंत्री जी जो है सरकार बना के बैठे हुए हैं, उसके बाद भी आपके द्वारा जो एक समाज को निशाना बनाया जा रहा है। और इस प्रकार जो है आप संविधान की जो बात करते हैं, संविधान तो आप लोगों ने जो है उल्लंघन किया है। संविधान की धज्जियाँ तो आपने उड़ाई है। धज्जियाँ उड़ा के आप नियमित तरीके से जो है मंत्री पद पर बैठे हुए हैं और लोगों को जो है परेशान कर रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। भगवान क्या दे रहे अध्ययन नहीं है। ऑलरेडी विश्वास जी, आप अपने शब्दों का चयन भविष्य के अंदर सोच समझ के करें, अन्यथा वो दिन दूर नहीं है कि लोग भी आपके बारे में जो है आप शब्दों का उपयोग करेंगे जो एक मंत्री के लिए उचित नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।